वैल्यू रखनी है जेड वन की। जेड वन है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, जेड टू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन जेड वन हमारे पास होगा 2 माइनस आयोटा, लेकिन बीच में ध्यान से देखिए माइनस है, तो इस माइनस की वजह से जेड टू की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, तो जेड टू हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा +1। तो ये आपका हो गया मॉडुलस। सॉल्व करिए क्या आ सकता है, तो आपके पास आएगा -iota+iota, ठीक है सर, और -1 +1, तो कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 4, और नीचे क्या हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। टू कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाना चाहिए 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। हाँ भाई समझ में आ रहा है। यस सर। अब हमारे पास क्या है, नीचे 1 माइनस आयोटा आ गया, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये होगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 प्लस आयोटा से, तो आपके पास क्या आ जाएगा नीचे a-b a+b, तो ये हो जाएगा a² - b², 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या आएगा कोई बता सकता है। हाँ भाई नीचे क्या आएगा कोई बताएगा, आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 2 क्या होगा, कैंसिल। फाइनली क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x² + y² बताया था। यस व्हाट इज यस मॉडुलस, चेक करो देखो समझ में आया या नहीं आया। हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, हमने पहले z1 z2 की वैल्यूज रखी हैं, जब हम z1 z2 की वैल्यूज रख देंगे तो वो कैंसिल होके ये आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ से पार्ट शुरू होगा कि इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उससे सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी a+iota b। तो अगर हमारे पास a+iota b होता है या x+iota y होता है, तो उसका मॉडुलस होता है a² + b² ये हमारा आंसर है।